मॉडल टाउन एस ब्लॉक में कायम होने वाले हस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर खजाना कामरान माइकल, रुकन कौमी असम्बली नसीर अहमद भुट्टा और रुकन पंजाब असम्बली रमजान सदीक भट्टी समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। कामरान माइकल ने बताया कि हस्पताल से कोट लखपत, बिहार कॉलोनी और लियाकताबाद के रिहायशी मुस्तफीद हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत के लिए मकामी सतह पर ऐसे हस्पतालों का क्याम खुश आइन है। मैं समझता हूँ कि इलाकाई तौर पर ऐसे फर्स्ट एड के हवाले से ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा और अहमियत का हामिल है, क्योंकि हॉस्पिटल तो बड़ी दूर हैं। अगर फर्स्ट एड किसी को मौसर और बर वक्त मिल जाए तो मैं समझता हूँ उसकी जान बचाने में वो हम करदार अदा हो सकता है। हस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर डायरेक्टर आइजेक टेलीविजन डेव कोनेल और उनकी अहलिया ने जिंदा दिलाने लाहौर की मेहमान नवाजी को सराहते हुए कहा कि लाहौरियों ने इन्हें अपना गर्विदा बना लिया है। We've been here for 6 months and Lahore is just a beautiful place to live with beautiful people. Lahore rocks. Love the people here. The people here are very kind-hearted, very generous people. Yeah, we very much enjoy our time here. Lahore people rocks. Eternal Life अस्पताल में मकामी अफराद के इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टर्स की सहूलत 24 घंटे मयसर होगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उमर असलम, सिटी 42।